हेलो टू फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ावाला की दुनिया। फुल वॉच के साथ में मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाजू में जो बेल आइकन है आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी आप सभी लोग को मेरा नया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, आज का जो थंबनेल है, आप थंबनेल पूरा प्रॉपरली देखोगे तभी आप सभी लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्या नया टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ, पहले कुछ पुराने ब्लॉग पे जाता हूँ। मैं पहले जो वीडियो यूट्यूब चैनल पे मैंने जो अपलोड किया था, सेक्टर 2 चारकोप कांदिवली वेस्ट के गार्डन में गया था और वहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग भी किया था कि बहुत ही जल्द से जल्द माता जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित होने वाली है। तभी आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, 26 तारीख को माता जी का आगमन भी हो गया था, लेकिन आप सभी लोग को ये जानकारी नहीं होगी मुंबई में कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो मैं अभी तक वीडियो यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड नहीं किया है ब्लॉगिंग के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, और ख़ास बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, मुंबई में प्रसिद्ध है कालबा देवी माता जी का मंदिर है और ये माता जी का नाम है मुंबा देवी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए चलते हैं, मराठा मित्र मंडप के अंदर जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा लाइटिंग इफेक्ट के साथ में डेकोरेशन की ओर। फ्रेंड्स, आप सभी लोग को ऐसा नया ब्लॉग देखा भी नहीं होगा तो ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं सेक्टर 2 चारकोप कांदिवली वेस्ट के गार्डन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने एक ब्लॉग में मैंने बोला था कि ये सेक्टर 2 के गार्डन में यहाँ पे सब अलग अलग त्यौहार होता है, लेकिन मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाया था यहाँ पे माता जी का आगमन भी होगा। आप सभी लोग ने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया था कि बहुत अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, लाइटिंग डेकोरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से किया हुआ है। तो चलिए आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ और ये मंडप में माता जी की मूर्ति भी कैसी है आपको दिखा देता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे साथ में वीडियो पे बने रहिए और ये वीडियो को फुल्ली एंजॉय भी करिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है चिकल, बहुत ज़्यादा चिकल है, इसके लिए धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, नहीं तो स्लिप होने का चांसेस भी है, इसके लिए स्लोली स्लोली मैं चल रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माता जी की मूर्ति बहुत ही अच्छी है और ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये डेकोरेशन को 10 डेज लगा है। तो आइए आपको दर्शन भी करवाता हूँ अंदर जाके। सो फ्रेंड्स, ये है सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स और मिरर वाले तोरण भी है, आप देख सकते हैं अलग अलग लटकन लगाया है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ में, और ऊपर लिखा हुआ है मुंबा देवी माता। सो फ्रेंड्स, आप ये जो नाम पढ़ रहे मुंबा देवी माता मंदिर, तो मुंबई में कालबा देवी में आया है और माता जी की मूर्ति बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे माता जी का गरबा रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये सब थर्मोकोल का बारीक बारीक से कटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर कलर काम भी किया हुआ है।
सब थर्मोकोल का कटिंग काम मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से डेकोरेशन भी किया हुआ है। आ जाओ जल्दी। मराठा मित्र मंडल को 25 साल हो गए फ्रेंड्स। और आपको दूसरा बोर्ड दिखा देता हूँ कि वो दूसरे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यह बहुत बड़ा बोर्ड है और ये बोर्ड पे लिखा हुआ मराठा मित्र मंडल और श्री दुर्गा माता के आगमन प्रतिष्ठा व पूजा, मतलब 26 तारीख को, मतलब आज। और बाद में है महिला चे हल्दी कुमकुम, मतलब लेडीज़ लोग का हल्दी कुमकुम का भी प्रोग्राम रहता है। वो प्रोग्राम होने वाला है शुक्रवार को 30 सितंबर को। जी हाँ फ्रेंड्स, संध्या काली रात को 8 बजे। और यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है योगा संकल्प वैदिक पूजा आणि होम, होम हवन लिखा है। और 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तलक यहाँ पे दुर्गा अष्टमी का बहुत बड़ा यहाँ पे हवन भी होने वाला है और यहाँ पे भंडारा भी होने वाला है। और यहाँ पे नीचे नाम भी लिखा हुआ है सुधीर चौहान अध्यक्ष और श्री विशाल चौहान सचिव और खजिनदार और सिद्धेश गाड़ी खजिनदार है। सो यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मेरा नया ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक पे न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक पे न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय।